हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये हमारा मोस्ट वांटेड सीरीज का लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन जैसे ही टॉपिक की बात आती है तब हमें लगता है कि आखिर हम इसको कैसे पढ़ें और इतनी सारी चीज़ें हैं कैसे उनको समझें। एक्चुअल में थ्योरेटिकल जब भी कोई चीज़ आती है तो हमें पढ़ने में बड़ी बोरियत होती है, राइट। चलिए, लेकिन हम लोगों ने हमारी जो बुक है मोस्ट वॉन्टेड बुक जो हमने बायोलॉजी के हम लोग लेके आए हैं, उस बुक में वैसे भी हम लोगों ने आपकी इस सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन कर दिया है, इस टेंशन का सोल्यूशन ने कर दिया है कि किस तरीके से आप चार्ट एंड टेबल के फॉर्म में चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और इवोल्यूशन जो टॉपिक है आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उनमें से उन्हीं बेसिक मेन टॉपिक की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिन पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन टॉपिक जब आता है तो हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमारे अपने हम ये बोलते हैं कि लाइफ के ओरिजिन के बारे में। जब तक लाइफ के ओरिजिन के बारे में जानने की उत्सुकता हमारे अंदर नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तब तक ये टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आएगा कि किस तरीके से कैरेक्टर्स जो है वो हमारे अंदर चेंज होते हैं, किस तरीके से लाइफ, सबसे पहली बात तो कैसे अर्थ पे हमारा जो ये लिविंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हुआ। अब लिविंग एनवायरनमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट जो है मोस्ट सुटेबल एनवायरनमेंट है फॉर द लाइफ फॉर्म्स, कि यहां पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सर्वाइव कर सकें। तो ये एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट हुआ और कैसे लाइफ जो है वो अपीयर हुई अर्थ के ऊपर और कैसे उनमें इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए, कैसे अडेप्टेशन आए, किस तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक्स आए, आर्की बैक्टीरिया डेवलप हुए एंड देन फिर उनसे हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया एंड देन हम बोलते हैं यू कैरियोट्स जो हैं वो डेवलप हुए, किस तरीके से हम ये बोल रहे हैं हायर एनिमल्स जो हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से हायर प्लांट्स जो हैं वो डेवलप हुए, स्टिल अभी भी माइक्रोब्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं और हम ये बोलते हैं कि माइक्रोब्स के लिए मोस्ट सुटेबल एनवायरनमेंट जो है वो हम ये बोलते हैं अर्थ का एनवायरनमेंट है। क्योंकि जैसे कि बात की जाती है जब आर्की बैक्टीरिया के बारे में या फिर ऑर्थोपोड्स के बारे में तो हम बोलते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है ये, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ये डेवलप हुए थे जब तब से लेकर अब तक हर तरह के हम ये बोलते हैं कि एटमोस्फेयरिक जो चेंजेस हो रहे हैं, हम बोलते हैं ना हर पीरियड के अंदर जो है एटमोस्फेयर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इकोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो चेंज हो रही है और हर चेंज के साथ अपने अंदर अडेप्टेशन लाते हुए ये स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है ये सारी चीजें, इन सबको जानने की जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी ये टॉपिक पढ़ने में ही मजा नहीं आएगा। चलिए फिर भी हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एनसीईआरटी में हमें क्या क्या चीजें दी गई है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमारा मेन मुद्दा जो है वो वही रहने वाला है, हम उसी पे बात करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम जितनी भी बातें करेंगे, क्योंकि देखिए लाइट जो है वो जब हम बोलते हैं धरती पे जब गिरी तो उसको कई कई साल पहले वो जो है ना वो उसने ट्रेवल करना शुरू किया एंड देन उसके बाद में हमें अब जो है वो दिखाई देती है, तो उसको काफी लंबा पीरियड जो होता है वो तय करना होता है। तो हम उसको लाइट, हम बोलते हैं ना लाइट ईयर्स में हम उसको बताते हैं कि कितने लाइट जो है ना किस लाइट जो हम बोलते हैं लाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा ना कितना, तो उसको हम उसी चीज को मेन ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं अर्थ का जो ओरिजिन है या फिर अर्थ पे लाइफ फॉर्म का ओरिजिन है वो भी हम लाइट ईयर्स के बेसिस पे हम मेजर करके हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स जो है हम ये बोल रहे हैं कि वो कब डेवलप हुआ तो उसके बारे में आपको बताया गया है और आपको पता होना चाहिए कि 20 बिलियन ईयर्स, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिए 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा यूनिवर्स, देखिए कितने टाइम पुराना है हमारा यूनिवर्स। तो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा यूनिवर्स पूरा का पूरा, ठीक है। और इस पे जो लाइफ है अर्थ के इवॉल्व होने के 500 मिलियन ईयर्स उसके बाद में जो है लाइफ फॉर्म जो है अराइज हुई। क्यों इतना लंबा टाइम पीरियड लिया अर्थ पे लाइफ फॉर्म के अराइज होने के लिए, तो उसका मेन रीजन ये है क्योंकि अर्थ के ऊपर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो पहले सुटेबल होनी जरूरी है ताकि वहां कोई भी लाइफ फॉर्म जो है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। सुटेबल एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, हमें क्या क्या चीजों की नीड होती है। देखिए हमारे आपने हमने जब इकोलॉजी पढ़ा तो इकोलॉजी के टाइम पे आपको पता चल गया है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं उन सबको कैसे गैसेस जो हैं, गैसेस का जो साइकिल चलता रहता है जिसकी वजह से हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है, कैसे न्यूट्रिटिव साइकिल चलते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी होती है, और उसमें बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, माइक्रोब्स हैं वो भी हमारी हेल्प में आ रहे हैं हमारे हमारे सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स भी हैं वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए हम जो है वो बेनिफिशियल है, प्लांट्स के लिए माइक्रोब्स जो है वो बेनिफिशियल है, सब एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है। जब ये सभी लाइफ फॉर्म्स अराइज हुई धीरे धीरे लाइफ के सुटेबल एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप हुआ तब लाइफ जो है वो अराइज हुई अर्थ के ऊपर एंड देन फिर इवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से हायर प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स जो है वो डेवलप हुए, ठीक है।
तो देखिए बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप सबको मालूम, आप जानते हैं कि हम जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन वो सभी के सभी इवॉल्व जो हुए हैं, वो हम बोलते हैं कि केमिकल, हम ये बोलते हैं कि एक सूप जो है ना, ऑर्गेनिक सूप होता है, उस सूप से इवॉल्व हुए हैं ऐसा हम मानते हैं। हम बोलते हैं क्योंकि हमारे इस अर्थ पे था क्या, अर्थ पे एक बहुत बड़ा जो है ना एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से एक्सपेंड हो गया हमारा एनवायरमेंट, और जिसकी वजह से अर्थ पे जो है ना वो लाइफ जो है वो अराइज हुई। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो यही बोलती है कि जो हमारा कहती है कि यूनिवर्स जो है वाज इन ए वेरी हाई डेंसिटी स्टेट दैट एक्सपेंडेड, जो एक्सपेंड हुआ, और उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि हमारे जो अर्थ पे कई तरह की गैसेस जो हैं, वो गैसेस जो है वो क्या हुई, वो गैसेस जो है ना कूलिंग के इफेक्ट की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से उनमें चेंजेस आए, एंड देन जो है हमारे लिए सुटेबल जो गैसेस हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। पहले कौन सी गैसेस थी जो यहाँ पे प्रेजेंट थी, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो है ना बहुत लंबे टाइम बाद में ये डेवलप हुई, एंड देन कंडेंसेशन की वजह से इन्होंने वाटर जो है ना उसको डेवलप किया, कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे क्या हुई, इवॉल्व हुई। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं हम कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जो है, अर्थ का टेम्परेचर जो बहुत ही ज्यादा था, वो टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, एंड वहां पर इवॉल्व हुई कौन, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। और ये जो है हाइड्रोजन हीलियम गैस ग्रेविटेशन की वजह से ये क्या हो गई, कंडेंस हो गई, जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी, यूनिवर्स में गैलेक्सी किसको बोल रहे हैं, गैलेक्सी हम बोल रहे हैं क्लाउड्स को, स्टार्स को, ठीक है, जो वहां पे एनवायरनमेंट है ना उसको हम बोल रहे हैं गैलेक्सी। वो गैलेक्सी डेवलप हुई तभी तो क्या क्लाउड आएंगे, तभी क्या होगा, रेन होगी, बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी जब अर्थ के ऊपर आया, पानी का इवॉल्व होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है उतनी की उतनी वाटर जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वाटर का इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, वाटर का बनना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना कितने टाइम बाद में, कब जो है ना वो हम बोल रहे हैं कि अर्थ जो है वो डेवलप हुई, तो देखिए 4.5 बिलियन ईयर्स इतने टाइम पहले अर्थ जो है वो बनी, और उसके 500 मिलियन ईयर्स बाद में जो है लाइफ फॉर्म जो है वो अराइज हुई, किस पर, अर्थ के ऊपर अराइज हुई, ठीक है। फिर देखिए हम बोल रहे हैं कि कंडीशंस बताएं कि अर्ली अर्थ पे जब अर्थ इवॉल्व हुए, अर्थ के ऊपर क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशन थी जो फिर चेंज हुई, जो सुटेबल थी किसके लिए, लाइफ के लिए, वो तो वो सुटेबल एनवायरमेंट कैसे चेंज हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, और कैसा एनवायरमेंट था उसके बारे में देखिए पता होना चाहिए आपको। तो देखिए अर्थ कब फॉर्म हुआ है भाई, अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स बैक है ना, इतने साल पहले जो है वो अर्थ जो है वो बनी। अब उस पर हम बोल रहे हैं कि तब एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है ना, उस अर्थ के ऊपर। अब जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइफ कैसे अराइज होगी, तो एटमॉस्फेयर कब डेवलप हुआ, देखिए वहां पे प्रेजेंट क्या था, वाटर वेपर प्रेजेंट था, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब जो है ना ये सब प्रेजेंट थी कहां पे, अर्थ के ऊपर। एंड देन क्या हुआ, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आ रही है सन से, ये जब आई तो पानी जो है वो टूटा, और टूटने की वजह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ना उस पर टूट गया। अब ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, ऑक्सीजन का भी होना बहुत जरूरी है लाइफ फॉर्म के लिए, हम रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे हम ये बोले कि इवॉल्व हुई, एंड देन ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड हुई किसके साथ में, अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ, जिसकी वजह से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अनदर में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेन हमारे लिए क्या है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब का जो है फॉर्मेशन हुआ। ओजोन लेयर जो है वो ओजोन लेयर फॉर्म हुई, फिर हम ये बोल रहे हैं कि कूलिंग हुई, वाटर जो है, वाटर वेपर जो है ये जब ठंडा हुआ तो ठंडे होने की वजह से बारिश हुई, बारिश होने की वजह से पानी जो है वो धरती पे जो है वो अपीयर हुआ, और जब ओशियन बने, पानी आया, तो क्या है, अभी देखिए एनवायरमेंट में क्या चाहिए हमें, एटमोस्फेयर में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन है, जब ये सब चीजें इवॉल्व हो जाएंगी, ये जब बन गई है तो अब सुटेबल एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है किसके लिए, लाइफ के लिए। तो वहां पे लाइफ क्या कर सकती है, अब यहां पे अपीयर हो सकती है। तो जब हमारी अर्थ बनी है, इवॉल्व हुई है, उसके 500 मिलियन ईयर्स उसके बाद में जो है लाइफ फॉर्म यहां पर क्या हुई है, अराइज हुई है। नेक्स्ट देखिए कॉस्मोजोइक थ्योरी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे जो थ्योरीज दी हैं कि लाइफ कैसे अराइज हुई अर्थ के ऊपर, कैसे हम बोलते हैं ओरिजिन हुआ लाइफ का, उसके बारे में कई सारी थ्योरीज जो हैं वो दी गई। जैसे कि कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि थ्योरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि लाइफ जो है अर्थ पे कैसे आई, कि किसी और प्लेनेट से स्पोर, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे इस प्लेनेट पे आ गया, और जो है लाइफ जो है वो अब डेवलप हो गई अर्थ के ऊपर, ऐसे अर्थ जो है वो
अर्थ पे लाइफ फॉर्म आई, ठीक है। इसके बाद में और भी बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलते हैं, ये वॉन हेलमन ने जो है वो थ्योरी दी, और उसने क्या बोला, उसने बोला ये कि अचानक से ही अपने आप जो है स्पॉन्टेनियसली हमें बोलते हैं कि लाइफ जो है वो अराइज हो जाती है किसी भी सड़े गले मांस के ऊपर, या फिर हमें बोलते हैं कि जो भी सड़ा गला, अगर जो भी हम बोलते हैं कि मैटर है, उस मैटर के ऊपर, मड के ऊपर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, क्या आपके लाइफ फॉर्म्स जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसको हमने बोला स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस अचानक से अपने आप जो है डेवलप हो गई, ठीक है। ये थ्योरी भी आई, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया लुईस पास्टर ने। लुईस पास्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट दिए और उन्होंने बोला कि लाइफ फॉर्म्स जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग जो है सेल उससे डेवलप होती है। अब उसको बताने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने दो फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क के अंदर तो उन्होंने क्या किया, वही जो मास का टुकड़ा होता है उस मास के टुकड़े को रखा और एयर जो है वहां पे जाने दी, बट एक जो था फ्लास्क उसके अंदर क्या किया, स्टरलाइज एनवायरमेंट लिया एंड देन उसके अंदर मास का टुकड़ा रखा एंड देन उसको कॉटन प्लग से ढक दिया, कवर कर दिया, जिसमें एयर जो है पास नहीं हो रही थी। तो जिसमें एयर पास नहीं हो रही थी वहां पे किसी भी तरह का हम ये बोले कि डेवलपमेंट किसी और हम बोलते लाइफ फॉर्म का नहीं देखा, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका डेवलपमेंट वहां नहीं देखा, जबकि जहां पे एयर जा रही थी जिस फ्लास्क में वहां पे माइक्रोब्स जो है वो डेवलप हो गए। तो लुईस पास्टर ने बताया कि जब तक कोई भी, क्योंकि एयर जो है उसके थ्रू स्पोर्स या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी उनकी हम बोलते हैं कि उनकी प्री कोई एग्जिस्टिंग सेल जब तक वहां पे नहीं आती है तो तब तक उससे नए ऑर्गेनिज्म जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जिस फ्लास्क में एयर नहीं जा रही थी, यानी कि वहां पर एयर एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू कोई भी स्पोर जो है वो आ सकता था सड़े गले मीट के ऊपर डेवलप होने के लिए, किसी भी माइक्रोब का स्पोर, बट वो नहीं पहुंच पाया तो वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ। यानी कि हमेशा किसी भी लाइफ फॉर्म के अराइज होने के लिए पहले से कोई ना कोई सेल जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, उससे उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो वही प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही क्या है न्यू हम बोलते हैं जो लाइफ है या फिर हम बोल सकते हैं न्यू सेल है जो है उसको वो अराइज हो सकती है, जो कि लुईस पास्टर ने हमें बताया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है इसको इन्होंने क्या कर दिया है, आपको बता दिया है कि ये तो बिल्कुल बेत की बात है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है उसको डिस्प्रूव कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में आ गई है केमिकल ओरिजिन थ्योरी, ये दी है ओपेरिन एंड हेल्डन ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी हम ये बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी लाइफ फॉर्म जो है वो एक्चुअल में अराइज किससे होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। अब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, आरएनए है, प्रोटीन है, ठीक है। तो आरएनए एंड प्रोटीन से डीएनए जो है इनका डेवलपमेंट हुआ एंड देन डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटीरियल है जो कि फिक्स हो गया किसी ना किसी सेल के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए सबसे पहले जो है वो हम ये बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक जो सूप है उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि आरएनए का डेवलपमेंट हुआ होगा या प्रोटीन का डेवलपमेंट हुआ होगा, प्रोटीन से भी पहले अमीनो एसिड जो है उनका वो फॉर्म हुए होंगे, इन मॉलिक्यूल से फिर डीएनए मॉलिक्यूल जो है उनका फॉर्मेशन हुआ होगा एंड देन डीएनए जो है वो किसी एक सेल में, क्योंकि सेल एक्चुअल में होती क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ही है, प्रोटीन एंड फैट मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं एंड देन ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं उनमें, डीएनए आरएनए प्रोटीन फैट ये सभी बायोमोलिक्यूल्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट मींस किसी भी कोई भी जो सेल है वो अराइज किससे हुई होगी, वो अराइज होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो अराइज किससे हुए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो यहां पर क्या बोलते हैं, जो थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन जो है वो हमें बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ फॉर्म्स जो होती है वो अराइज हुई होती है, ठीक है। तो बस यही है हमारा जिसको हम बोलते हैं कि केमिकल ओरिजिन बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फॉर्म वाज प्रोसीड बाय द केमिकल इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो हम बोल ही रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कौन, आरएनए प्रोटीन अमीनो एसिड वगैरह एंड देन इनसे डीएनए एंड डीएनए से बन गई सेल। और सबसे पहले कौन सी सेल अराइज हुई होगी भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए होंगे, यूनिसेलुलर से फिर मल्टीसेलुलर का डेवलपमेंट हुआ होगा। उससे भी पहले हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले कौन अराइज हुए, आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया से कौन आई, यू बैक्टीरिया एंड देन ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, इनसे डेवलपमेंट हुआ है किसका, यूकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स से मे भी फिर आप लोग क्या देखते हो, इवोल्यूशन देखने को मिलता है। इवोल्यूशन वर्ड आखिर है क्या, पहले अगर हम ये समझे तो इवोल्यूशन का मतलब यही होता है कि हम ये बोलते हैं कि विकास है ना, किसी भी तरह का करैक्टर में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, और हम बोलते हैं कि एक एनवायरमेंट में सुटेबल लाइफ फॉर्म जो होती है, जो
प्रेजेंट एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के अंदर सुटेबल हम बोल सकते हैं या अडेप्टिव लाइफ फॉर्म जो है उसका डेवलपमेंट होना, जो कि जैसा पहले एनवायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग वहाँ लाइफ फॉर्म्स जो है वो अराइज हुई, देन उनके कैरेक्टर्स में चेंजेस आए, देन न्यू हम बोलते हैं न्यू स्पीशीज जो है उनका डेवलपमेंट हुआ, एंड फिर उन न्यू स्पीशीज से और दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज आने की वजह से या उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने की वजह से न्यू अनदर जो स्पीशीज हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, तो हम बोलते हैं लोअर जो सेल है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनसे हायर सेल हायर ऑर्गेनिज्म जो उनका डेवलपमेंट जो है, तो ये जो विकास होता है या फिर ये जो हम बोलते हैं ना ग्रोथ जो हो रही है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं इवोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है, तो विकास को ही हम बोल रहे हैं। फिर एक हमारा एक्सपेरिमेंट आ जाता है यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो वो उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर किया, उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर जो हम बोलते हैं कि पास्ट में जो अर्थ के ऊपर जो एनवायरमेंट था उस एनवायरमेंट को डेवलप किया, वहां की सुटेबल जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशन थी उनको डेवलप करके फिर देखा किस तरीके से ये जो अमोनिया है या फिर ये जो मीथेन है इनसे किस तरीके से हम ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि हम ये क्या बोल रहे हैं केमिकल ऑरिजिन हमारा हुआ है, हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है आरएनए प्रोटीन डीएनए इन सबसे हम डेवलप हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है वो डेवलप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल, तो ये जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है ये किससे इवॉल्व हुआ है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनसे इवॉल्व हुआ है, तो वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चेंज कैसे हुए, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे अर्थ की एनवायरमेंटल कंडीशन हुई जो रही होंगी वो उसके लिए सुटेबल रही होंगी उस चेंज के लिए, तो वो उस जो यूरियन मिलर ने क्या किया वही टेम्परेचर उसी तरह का टेम्परेचर उसी तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन लेबोरेटरी में डेवलप की एंड देन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखा, तो वहां पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है अमीनो एसिड प्रोटीन आरएनए इन सब का डेवलपमेंट उन्होंने देखा, जब देखा तो उनको समझ में आया बिल्कुल इसी तरीके से अर्थ में धीरे धीरे चेंज आने की वजह से जो है लाइफ फॉर्म जो है वो अराइज हुई होंगी अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो जो कंडीशंस थी अर्थ पे वो किस तरह की थी, हाई टेम्परेचर था बिल्कुल, जैसे वो हम बोलते हैं ना कि वोल्केनोस जो है वो फटते हैं तो वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, और रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, इसका मतलब क्या हो गया वहां पे मीथेन थी अमोनिया था, ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट थी, एंड वाटर जो है वो हाई रेडिएशन की वजह से हमें बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर की वजह से उसका ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो वहाँ पे हमें बोलते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट थी एंड देन हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जन जब आपका हम बोलते हैं मीथेन या फिर अमोनिया के साथ में जब रिएक्ट किया होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर जो है वो बना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही चेंजेस आए, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक मेजर चेंज है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर वो क्या होती है फिक्स होती है, तो कार्बन जो है क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होने के लिए कार्बन जो है फ्री होना जरूरी है, तो जो मीथेन है हम ये बोल रहे हैं मीथेन अमोनिया वाटर एंड हाइड्रोजन ये सब प्रेजेंट था एटमोसफेयर में, और जिसमें क्या हुआ चेंज आया और हमें बोलते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से जिसकी वजह से ऑर्गेनिक जो है मॉलिक्यूल उनका फॉर्मेशन हुआ होगा, तो ये यूरियन मिलर के एक्सपेरिमेंट का सेटअप था जिसके अंदर एक फ्लास्क के अंदर अगर आप देखोगे तो वही सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर है, ठीक है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है, ये गैसेस को यहाँ पे क्या है रिड्यूसिंग जो हम बोले एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है तो उस एनवायरमेंट की गैसेस इसमें प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स जो है वहाँ पे हाई स्पार्क जो है वो डेवलप करते हैं, इसके अलावा बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर इसलिए ताकि वाटर वेपर जो है वो क्रिएट की जा सके, उस टाइम पे हम ऐसा मानते हैं कि वाटर वेपर के फॉर्म में था, देन वहां पे क्या हुआ टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, टेम्परेचर डाउन हुआ होगा तो ये हम बोलते वाटर वेपर जो है वो कूल हुई होगी ठंडी हुई होगी तो कंडेंसेशन हुआ, वाटर वेपर में प्रेजेंट सोल्यूबल जितने भी हम बोलते हैं न्यू जो फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो उसके अंदर क्या हो गए सोल्यूबल थे, तो इस वजह से वाटर जब क्या हुआ आपका बना हम ही बोलते हैं कि जब वेपर जो है वाटर वेपर जब क्या हुई कंडेंस हुई तो वहां पे उसमें सोल्यूबल जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो भी क्या हो जाएंगे उसके साथ में फिक्स हो जाएंगे एनवायरमेंट में, तो वही सेम कंडीशन देखने को मिल रही है इस एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे स्पार्क जो है डेवलप किया गया इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है वाटर वेपर में प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन हुआ, देन यहाँ पे सडन चेंजेस आए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेस है वो भी बनी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है वाटर वेपर का किसके थ्रू होता है वो यहाँ पे कूलिंग की जाती है, टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वाटर वेपर जो है कूल हुआ तो उसमें सोल्यूबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी उसके साथ में क्या हो गए लिक्विड फॉर्म के अंदर हमें मिल गए, तो लिक्विड वाटर जो है ये देखो यहाँ पे हमने प्राप्त किया जिसके अंदर प्रेजेंट थे क्या इस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये यूरिया एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट था जो हमें बिल्कुल ये शो करता है कि किस तरह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारा जो है वो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फिर आ जाती है यही थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये क्या कहती है यही हम ये बोल रही है, बायोजेनेसिस का मतलब ये हो गया, बायो का मतलब होता है लाइफ, जेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से
न्यू लाइफ का जो है डेवलपमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये जो हम बोल रहे थ्योरी किस किस ने दी है, ये दी है रेड्डी ने दी है, स्पेलंजानी ने दी है और पास्टर ने दी है। ठीक है, लुईस पास्टर जो है बड़ा फेमिलियर नेम है हमारे लिए माइक्रोब्स को लेकर, कि क्योंकि हम लुईस पास्टर के बारे में वहां पे पढ़ते हैं माइक्रोब्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, नॉन सेलुलर की बात कर रहे हैं तो 3 बिलियन ईयर्स, ठीक है ना, 3 बिलियन ईयर्स पहले जो हम ये बोल रहे हैं बैक जो है वो नॉन सेलुलर फॉर्म्स जो है वो डेवलप हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, ये याद रखिए हम ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स, ये क्या थे एक्चुअल में, ये थे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह, जो हमने यूरियन मिलर के एक्सपेरिमेंट में भी प्राप्त किए कि हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिले हैं इनऑर्गेनिक से। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इसके साथ में हमें क्या बोलती है कि बिल्कुल ये हमें यही बोल रही है कि सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल आई होंगी एंड देन यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो उनसे डेवलप हुई होगी। और जो हम ये बोले जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सभी हम बोले वाटर एनवायरमेंट जो होता है, वाटर वेपर जो था उसी के अंदर जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल पहले जो है हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट था, वाटर वेपर के फॉर्म जो बोलते वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था, देन कंडेंसेशन की वजह से वाटर जो है वो बारिश हुई, रेन हुई होगी धरती पर, जिसकी वजह से वो बारिश की वजह से पानी जो है लिक्विड स्टेट के अंदर, वाटर जो है लिक्विड स्टेट के अंदर अर्थ पे आया होगा, देन न्यू लाइफ फॉर्म्स जो है वो अराइज हुई होंगी। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स जो है उनसे लिविंग मॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए भाई एविडेंस क्या, इवोल्यूशन इज हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इवेंट है इवोल्यूशन ये चांस पे है, नेचुरल हम बोले नेचर के ऊपर डिपेंडेड है और म्यूटेशन पे डिपेंडेड है, दो चीजें यहाँ पे काम करती है। क्योंकि देखिए एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज अगर होगा तो हम बोलते हैं कि जो करेक्टर्स जो होते हैं उनमें चेंज आता है, नए अडेप्टेशन जो है वो किसी भी अराइज जो भी लाइफ फॉर्म है उसके अंदर चेंज आते हैं, और जब वो चेंजेस क्या होते हैं फिक्स हो जाते हैं देन क्या हो जाती है न्यू स्पीशीज जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, इवोल्यूशन हम उसी को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो जेनेटिक मटीरियल के फॉर्म में अगर हम देखें तो जेनेटिक मटीरियल के अंदर भी चेंज होता है वो भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा मूव करता है, जो कि मेंडल ने अपने हमें एक्सप्लेन किया है, जेनेटिक्स के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे जो जीन होते हैं उस लेवल पे जो चेंज आता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करता है, और वही एक रीजन है जिसकी वजह से एक स्पीशीज से न्यू स्पीशीज जो है उसका डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ में नेचुरल नेचर जो है वो भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि कुछ ऐसे चेंज होते हैं, कुछ इस तरह के म्यूटेशंस होते हैं जो नेचुरल एनवायरमेंट की वजह से, नेचुरल हम बोलते हैं एनवायरमेंट की वजह से होता है, नेचर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि कोई भी अराइज हुई न्यू स्पीशीज, चाहे वो कोई भी लाइफ फॉर्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो जो सबसे पहले डेवलप हुआ, अगर उसमें अडेप्टेशन नहीं होगा अपने सुटेबल सराउंडिंग एनवायरमेंट्स को लेके, तब तक वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। और अगर वो लाइफ फॉर्म जो न्यू अराइज हुई है वो उस एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं करती है तो किस तरीके से आगे हम ये बोलते हैं इवोल्यूशन हुआ होगा, किस तरीके से आगे न्यू स्पीशीज जो है वो डेवलप हुई होगी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दोनों को ध्यान रखना जरूरी है। इवोल्यूशन का जो मेन फंडा है वो बेस्ड है एक तो म्यूटेशन पे, और दूसरा हम बोलते हैं एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, जो नेचर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एटमोसफेयर जो है उस पर भी मेन जो है वो डिपेंडेंट रहता है इवोल्यूशन, कि वो किस तरह से हुआ है, आगे जो चेंजेस आएंगे, न्यू स्पीशीज डेवलप होंगी उसमें मेजर पार्ट जो है वो जो हम बोलते हैं या मेजर रोल जो है वो प्ले करता है एटमोसफेयर, एनवायरमेंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। कुछ एविडेंस जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि किस तरीके से हम पहचानते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से हम जानते हैं कि न्यू स्पीशीज डेवलप हुई है, तो उसके लिए हम स्टडीज करते हैं। आप जानते हैं स्टडी हम किसकी करेंगे, हम जब स्टडी करते हैं तो हम दो तरीके से, एक तो हम हमारे रॉक चट्टाने जो होती हैं उनकी स्टडी करते हैं, एक्चुअल में हम वहाँ पे देखते हैं सेडिमेंटेशन के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे लेयरिंग हुई है अर्थ के अंदर, जो लेयरिंग होती है वहाँ पे हर लेयर के साथ में आपको देखने को मिलता है कि क्योंकि एक्चुअल में एनवायरमेंटल जब कंडीशन चेंज आती है तो डस्ट जो होती है या फिर हम जो बोलते हैं सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेयर फॉर्म हो जाती है, और हर लेयर के अंदर कई सालों बाद में हम ये देखते हैं कि वहां पर जो और मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स भी जो है उनमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो हम अगर हम उसकी रॉक की अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कब कब एनवायरमेंट कैसा रहा होगा, यानी कि इतने साल पहले एनवायरमेंट कैसा था, इसकी वजह से वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस तरह के रहे होंगे, एंड देन वहाँ पे क्या किस तरह की लाइफ फॉर्म्स रही होंगी, उन लाइफ फॉर्म को भी हम वहाँ पे हम फॉसिल के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। फॉसिल्स किसको बोलते हैं भाई, फॉसिल एक्चुअल में कोई भी हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने करेक्टर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, फॉसिल हम उसी को बोलते हैं। फॉसिल एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि
पूरा उसका मॉर्फोलॉजिकल जो हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, कि जो रॉक है या फिर जो मिट्टी है उनमें सेडिमेंटेशन की वजह से. तो हम उनको देखकर, हम स्टडी करके उनके फीचर्स के बारे में बता सकते हैं कि उस टाइम के जो लाइफ फॉर्म है उसके अंदर क्या करेक्टर रहे होंगे. ठीक है, तो फॉसिल की स्टडी करके, है ना, अर्थ की हिस्ट्री जो है उसकी स्टडी करके, अर्थ की जब हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम रॉक की जो है उसकी स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ में हम फॉसिल्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं. तो वही रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक, इस स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट. कौन से पीरियड के अंदर कौन से लाइफ फॉर्म्स रही होगी इसके बारे में हमें पता चलता है फॉसिल से. तो फॉसिल की स्टडी कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रॉक की जो है वो भी हम स्टडी करेंगे ही, तो हमें पता चलेगा कि वहां पे क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशन वहां पे क्या रही होंगी, और उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर किस तरह के लाइफ फॉर्म्स जो है वो रही होगी. इस तरीके से हम पूरे का पूरा इवोल्यूशन जो है उसके हमने स्टडी की होगी. ठीक है, अब देखिए इस स्टडी के दौरान हमें पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये चेंजेस हो रहे हैं तो इसकी वजह से हमें दो तरह के ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं. वो ऑर्गन्स कैसे होते हैं, हम अगर उनको एनाटॉमिकली और उसकी मॉर्फोलॉजिकली व्यू में अगर हम उनकी स्टडी करें तो हमें दो तरह के ऑर्गन्स जो है वो देखने को मिलते हैं. एक तो होते हैं होमोलोगस ऑर्गन, दूसरे होते हैं एनालोगस ऑर्गन. इवोल्यूशन जो है वो हुआ है, ये उसके एविडेंस ही है कि हमें पता चलता है कि बिल्कुल इवोल्यूशन हुआ है. इवोल्यूशन का मतलब क्या है, नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट, नए एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर अडेप्ट होने के लिए अपने अंदर कोई जो चेंज लेके आ रहे हैं, जो हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली उनके स्ट्रक्चर में चेंज अगर वो फिक्स हो जाता है, या फिर उनके एनाटॉमिकली उनके अंदर वो जो हम बोलते हैं कि जो चेंज है वो फिक्स हो जाता है, उसी की वजह से न्यू स्पीशीज डेवलप होती है, उसी को हम इवोल्यूशन बोल रहे हैं. तो ये एविडेंस ही है, जब हम उनके स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं तो हमें चेंज देखने को मिलते हैं, तो उस चेंज से हम समझ जाते हैं कि बिल्कुल इवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, इवोल्यूशन के लिए एविडेंस ही है. सेकंड चीज जो है, जब हम कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बिल्कुल इवोल्यूशन हुआ है. अब देखिए दो तरह के ऑर्गन हमें देखने को मिले हैं, होमोलोगस एनालोगस. होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो फंडामेंटली हम ये बोलते हैं कि सिमिलर होते हैं, ठीक है, बट उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग तरीके के काम करते हैं. स्ट्रक्चर उनकी सेम है, ऑरिजिन उनका सेम है, ठीक है, बट काम उनका अलग है. जब ऐसा हमें देखने को मिलता है तो हम समझ जाते हैं ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन होंगे. अब देखिए अगर ऑरिजिन सेम हुआ है और स्ट्रक्चर सेम है बट उनके काम अलग है, इसका मतलब उन्होंने एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से क्या किया, अपने में अडेप्टेशन लेके आया. जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल फोर हम लोग फोर लिम्स के बारे में बात करते हैं. फोर लिम्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, फोर लिम्स हम नॉर्मली चलने में यूज नहीं करते हैं, लोकोमोशन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग इसको हम इससे इसके थ्रू कोई भी चीज़ को उठाने में या फिर किसी चीज़ को पकड़ने में, किसी को धक्का देने में, हम उस तरीके से जो है हमारे फोर लिम्स को यूज़ करते हैं. अगर इसी तरीके से अगर आप देखोगे एनिमल्स में, और जैसे चीता वगैरह में अगर आप देखोगे तो उनके फोर लिम्स जो हैं वो उनको लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं. अगर आप बैट में देखोगे तो उनके फोर लिम्स जो होते हैं वो विंग्स के फॉर्म में होते हैं, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, बट उनका ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर तो सेम है बट उनके फंक्शन क्या हो जाते हैं अलग. कोई किसी को लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, हमें किसी चीज को पकड़ने में, कैचिंग वगैरह में हेल्प कर रहा है, तो किसी और को अगर हम देखेंगे तो उनको वो उड़ने में हेल्प कर रहा है. तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोल देंगे, होमोलोगस विंग्स जो है. अगर हम लोग शार्क की बात करेंगे तो वेल के बारे में बात करेंगे तो आप क्या देखते हो कि उनके अंदर जो होते हैं वो उनको तैरने में जो है ना उनमें हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट उनका वर्क क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस बोलेंगे. एनालोगस किसको बोलेंगे, जो स्ट्रक्चर में तो सेम है ना, जो क्या दिखाई दे रहे हैं कि जो सॉरी नॉट स्ट्रक्चर, जिनके फंक्शन तो सेम है बट उनका हम ये बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, और हम ये बोल रहे हैं कि उसी के साथ में उनका ऑरिजिन जो है वो ऑरिजिन भी क्या है, डिफरेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालोगस बोलते हैं. तो हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप होमोलोगस और एनालोगस के लिए एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा. ये देखिए बोगनविलिया एंड कुकरबिटा दोनों का ऑरिजिन जो है वो सिमिलर है. ये देखिए एक्साइल कंडीशन जो है उससे डेवलप हो रहे हैं, एक्साइल जो है वहां से एक्साइल पोजीशन जो है उससे डेवलप हो रहे हैं, बट दोनों का फंक्शन डिफरेंट है. ये थॉर्न है प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, कुकरबिटा के जो टेंड्रिल्स होते हैं वो उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं. तो इनका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, बट इनका स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है. सेम आप देख लो ह्यूमन की बात करेंगे तो ये इनके फोर लिम्स है, चीता की बात करोगे इनके फोर लिम्स, इनको लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, वेल में ये इनको तैरने में हेल्प कर रहे हैं, और बैट जो होते हैं उनमें विंग्स के फॉर्म में होते हैं, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है. सॉरी इसी तरह से देखो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स में अगर आप देखोगे
तो ये दोनों का जो है फंक्शन तो सेम ही है, दोनों में विंग्स है, दोनों में उड़ने में हेल्प करते हैं, जबकि बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर तो फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड हुए हैं, किसके अंदर, विंग्स के अंदर, जबकि इंसेक्ट्स के अंदर अगर देखोगे तो ये अपेंडेजेस जो होते हैं वो इनके एक्चुअल में वो जो हम बोलते हैं ना इनके थोरेसिक जो सेक्शन होते हैं वहां से ये अराइज होते हैं, तो ये कोई फोर लिम्स नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनके अंदर तो ये डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलता कि उनके अंदर फोर लिम्स, हिंड लिम्स, टू पेयर ऑफ लिम्स, ऐसा नहीं होता। उनके अंदर लिम्स तो अलग है, लिम्स बिल्कुल उनके अंदर थ्री पेयर लिम्स इंसेक्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं, बट विंग्स उनके अंदर दो ही होते हैं, ठीक है, वो उनके थोरेसिक सेगमेंट्स जो होते हैं उनसे अराइज होते हैं, तो इनका ओरिजिन डिफरेंट है, बट दोनों का काम सिमिलर है, दोनों को उड़ने में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये भी हम ये बोल रहे हैं कि दोनों दिखने में तो क्या है, हम ये बोलते हैं फंक्शन तो दोनों का सिमिलर है, ओरिजिन इनका भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस तरह से हमारे पास में कई सारे एग्जाम्पल है, ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट्स एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये भी फंक्शन सिमिलर है रेस्पिरेशन में, बट दोनों का ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो ये एनालॉगस ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बिल्कुल इवोल्यूशन तो हुआ है जब होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए दो तरह के इवोल्यूशन होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अभी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन में मेजर पार्ट रोल प्ले करता है बिल्कुल जेनेटिक पार्ट करता है, वो हमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट एनवायरमेंटल कंडीशन, हैबिटेट किस तरह का है वो मेन जो है वो पार्ट प्ले करता है, जिस तरह के एडेप्टेशन एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, जैसी उनकी हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है उनमें वो चेंज जो आया है वो उनमें फिक्स हो जाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन बोल रहे हैं, है ना, अगर हम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। वैसे ही अगर हम देख रहे हैं कि इवोल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट हम किसको बोलते हैं, कि अगर कोई दो स्पीशीज है जो दोनों एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है, अनरिलेटेड स्पीशीज है दोनों के दोनों, बट उनके हैबिटेट या एनवायरमेंटल कंडीशन सिमिलर है, जिसकी वजह से दोनों एक जैसी ही दिखने लगती है, यानी उनके अंदर स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज दिखने लग जाती हैं, दोनों एक जैसे दिखाई देने लगती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट की वजह से क्या डेवलप होते हैं, एनालोगस ऑर्गन जो है वो डेवलप होते हैं। एनालोगस ऐसे होता है जिनका ओरिजिन तो डिफरेंट होता है बट उनके वर्क जो होता है, फंक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है, तो एनालोगस ऑर्गन जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से डेवलप होते हैं। डाइवर्जेंट किसको बोल रहे हैं, कि सेम स्पीशीज है, रिलेटेड स्पीशीज, हम बोल सकते हैं कि रिलेटेड स्पीशीज है, हैबिटेट और एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उनको अगर हम ये बोल रहे हैं कि चेंज मिल रही है, कंडीशन डिफरेंट उनको मिल रही है, इसकी वजह से उनके अंदर हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो होती है, मोर्फोलॉजिकल जो उनकी अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, उनको डिफरेंट दिखने लगती है, तो वो लगता नहीं है कि वो रिलेटेड स्पीशीज है, वो जो चेंज उनमें आ जाता है, तो उसकी वजह से अब इवोल्यूशन तो हुआ ही है, नई स्पीशीज जो है, नए करेक्टर डेवलप हो गए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसका एग्जाम्पल आ जाएंगे होमोलोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस ऑर्गन में होता क्या, ओरिजिन सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, बट अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से उन्होंने अपने फंक्शन जो है वो डिफरेंट कर लिए हैं, तो इस वजह से उसको हमने क्या बोला, होमोलोगस ऑर्गन बोला। तो होमोलोगस ऑर्गन किसकी वजह से डेवलप होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो तरह के इवोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके इवोल्यूशन के बारे में। अभी देखिए आगे फिर आ जाता है यही जो हम बात करें, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हम कैसे बोल रहे हैं, कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से अगर कोई करेक्टर जो होता है वो फिक्स हो जाता है, और कई ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, हम ये बोलते हैं कि एक्सटिंक्ट हो जाते हैं किसी भी, या फिर उसकी वजह से जो हम बोलते हैं न्यू स्पीशीज जो है वो डेवलप हो जाती है एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है मॉथ पॉपुलेशन का, जो इंग्लैंड के अंदर 1850 के अंदर ऑब्जर्व किया गया। अब उसमें था क्या, जब इंडस्ट्रियल जो बोलते हैं ना इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ उससे पहले और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बाद में, दो तरह के चेंज मोथ की स्पीशीज के अंदर देखी गई। मोथ की स्पीशीज कैसी थी भाई, दो तरह की थी, एक तो व्हाइट कलर में थे और एक ब्लैक कलर के अंदर थे। जब तक इंडस्ट्रीज वहां डेवलप नहीं हुई थी, यानी 1850 से पहले जब ऑब्जर्व किया, तो वहां पे व्हाइट स्पीशीज जो थी वो ज्यादा थी। रीजन क्या था, क्योंकि लाइकेंस का डेवलपमेंट था, पोल्यूशन नहीं था। पोल्यूशन होता है तो वहां पे लाइकेंस डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वहां पे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था तो लाइकेंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लाइकेंस का डेवलपमेंट जब नहीं हुआ तो हम बोलते हैं कि वहां पे व्हाइट कलर के लाइकेंस पेड़ों पे लगे रहते थे, तो मूथ जो है वो व्हाइट कलर के थे, वो अपने सर्वाइवल के लिए व्हाइट लाइकेन के पीछे छुप जाते थे, ठीक है, तो पता नहीं चलता था कि लाइकेन है या फिर मूथ है। तो प्रीडेटर्स जो है वो आते तो उनको पता नहीं चलता कि मूथ है, तो वो उनकी सर्वाइवल कंडीशन बनी रहती। तो ये तो था जब पोल्यूशन वहां पे नहीं फैला था, ठीक है। इंडस्ट्रीज आई, पोल्यूशन फैला, तो पोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि एनवायरमेंट जो है उसमें चेंज आया। एनवायरमेंट में चेंज आया तो आप जानते हैं कि लाइकेंस जो होते हैं उनमें भी चेंज आएगा, लाइकेन जो है वो डेवलप ही नहीं हो पाते, हम बोलते पोल्यूटेड एरिया के अंदर।
तो नाउ क्या हुआ कि अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अब तो क्या है कि अपने सर्वाइवल के लिए अब जो व्हाइट हम बोलते हैं मोथ जो है उन, वो जो स्पीशीज है उनके नंबर तो क्या हो गया, कम हो गया, और जो ब्लैक मोथ होते हैं सॉरी ब्लैक मोथ जो है उनके नंबर जो है वो इंक्रीज हुए, ठीक है। यानी कि ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये जो नया चेंज आया वो किसकी वजह से था, वो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल एनवायरमेंट अपने हैबिटेट को देखते हुए हम बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ, प्रेडेटर्स जो है वो व्हाइट मोथ को खा गए, जबकि ब्लैक जो है वो इजी वे में वहां पे सर्वाइव किए, तो उनका नंबर कम हो गया। तो ये क्या हो गया, एनवायरमेंट का नेचुरल नेचर का जो है सिलेक्शन हुआ कि अभी सुटेबल कंडीशन ये है कि ब्लैक मोथ जो है उसका डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये इंग्लैंड के अंदर ऑब्जर्व किया गया था, तो नेचुरल सिलेक्शन भी इवोल्यूशन के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब ये कहा जाता है व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, देखिए ये वही इवोल्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट स्पीशीज जो एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर डेवलप हो रही है, तो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से सिमिलर दिखने लगती है, सिमिलर करेक्टर उनमें क्या होता है डेवलप हो जाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं अडेप्टिव रेडिएशन बोल रहे हैं। उसके बाद में हो सकता है कि मे बी वो स्पीशीज जो है वो जियोग्राफिकल एरिया में फैल जाए, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल हैं जो दिए गए हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर अडेप्टिव रेडिएशन के लिए हम लोग देखें, जैसे कि आ जाता है सबसे पहले डार्विन का, डार्विन की फिनिचेस, इन्होंने जो है वो ब्लैक बर्ड्स के अंदर देखा कि ब्लैक बर्ड्स जो थी उनकी कई वेराइटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए जिस सेम ही हम बोल रहे हैं उसमें आइसलैंड के अंदर ये प्रेजेंट है, बट पहले ये था कि वो सब क्या करती थी कि सीड जो है उसको ईट करती थी, इस वजह से उनकी बीक के अंदर जो है वो चेंज हमें देखने को मिला, लेकिन बाद में वो कैसी होगी इंसेक्टिवरस हो गई, तो उनकी बीक जो है उसके अंदर चोंच के अंदर अभी देखने को क्या मिल रहा है, अभी चेंज देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर में, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं अडेप्टिव रेडिएशन बोल रहे हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के अंदर अगर हम देखें, तो ये मार्सुपियल्स जो है इनके अंदर अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे क्या है, ये स्पीशीज ये सारी सेम ही एंसेस्टर से डेवलप हुई है, ठीक है ना, ये जितने भी मार्सुपियल्स है, पर ये सारे के सारे क्या है एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है, एक ही एंसेस्टर जो है उससे ये डेवलप हुए हैं, बट ये सारे के सारे क्या है अलग अलग तरह के हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है सारे के सारे ये जो है ये एक ही हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट जो है स्पीशीज है, सभी मार्सुपियल्स है, बट सभी के सभी क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक अगर हम देखें मैमलियन प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के अंदर, तो अगर आप देखोगे दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज है ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ये, बट अगर आप देखोगे सेम वॉल्फ एंड अगर आप यहाँ पे थैस्मेनियन वॉल्फ को देखोगे जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज है, बट दोनों ही वॉल्फ सेम कैटेगरी में जब आती है तब अगर है ना, तो आप देखोगे इस हायरार्की पे ये दोनों के अंदर कैरेक्टर एकदम सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, जबकि दोनों के दोनों स्पीशीज क्या डिफरेंट है एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो ये है रेडिएशन, हम बोल रहे हैं कि अडेप्टेशन। फिर आ जाते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ये आता है कि भाई अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग जो लाइफ फॉर्म होती है उसका डेवलपमेंट होता है, जो हम बोलते हैं कि सुटेबल जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसकी वजह से उनके मोर्फोलॉजिकल करेक्टर में जो चेंज आते हैं। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर यही सब चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो कि सेव एक एनवायरमेंट के अंदर अगर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो जो मोर स्ट्रोंग होगी वो सर्वाइव करेगी, एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन होगी अपने सर्वाइवल के लिए वो वैसे ही अपने अंदर क्या ले आएंगे, चेंजेस ले आएंगे, तो ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो वहीं पे आ जाते हैं, सबसे पहले डार्विन की थ्योरी आ जाती है। डार्विन ने क्या बोला, उन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या बोला कि उन्होंने बोला कि कोई भी लाइफ फॉर्म जैसे कि माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स क्या होती है जैसे उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। तो उन्होंने वही किया, एक पेट्री प्लेट के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाई, देन दूसरा न्यूट्रिटिव मीडिया लिया तो उसके अंदर बी की जो है वो ग्रोथ करवाई, देन जो सेकंड मीडिया लिया उसी के ऊपर ए एंड बी दोनों की जब ग्रोथ करवाते तो देखते हैं बी सर्वाइव करता है, ए सर्वाइव नहीं कर पाता, ए जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, बी वहां पे रहता है, रीजन बी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है माइक्रोब, ए जो माइक्रोब है वो स्ट्रांग नहीं है, मतलब कोई भी दो उन्होंने ए एंड बी नाम रख के बताया। तो कहने का मतलब ये था कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, यानी कि जो ज्यादा जितनी स्ट्रांग
उस एनवायरनमेंट के अंदर सुटेबल जो लाइफ फॉर्म होगी वही सरवाइव करेगी, जो उस एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, स्ट्रांग नहीं होती है लाइफ फॉर्म, वो एक्सटिंक्ट कर जाती है। तभी तो ऐसा होता है ना, इवोल्यूशन हम पढ़ते आते हो, देखते हैं कई लाइफ फॉर्म्स जो है या कई स्पीशीज ऐसी हैं जो एकदम से एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे कि डायनासोर। डायनासोर इतने बड़े साइज के अंदर थे, उसके बावजूद भी वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि वो जो चेंज आ रहा था हम बोलते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन में, वो उनके लिए इतना सुटेबल नहीं था, इसलिए उनका नेचुरल सेलेक्शन जो है वो नहीं हुआ। और उसके बजाय अगर आप देखोगे ऑर्थोपोड्स, तो ऑर्थोपोड्स के अंदर आप क्या देखते हो कि जितने भी स्पीशीज हैं वो अभी तक सर्वाइव कर रही है, क्योंकि उनका नेचुरल सेलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो इतने छोटे होने के बावजूद भी सभी एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो मोर स्ट्रॉन्ग है। ये तो हमने दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बात किया एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे। तो नेचुरल सेलेक्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि वो सेम टाइम के अंदर दो स्पीशीज हो सकती हैं जो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रही है, सेम हम बोल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के लिए, बट उनमें से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा स्टेबल होगी उस एनवायरमेंट के लिए, वो लाइफ फॉर्म तो सर्वाइव करेगी। जो लाइफ फॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उस एनवायरमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ स्पीशीज होती है जो, अगर नई स्पीशीज जो है डेवलप हो रही है, तो कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती है जो एक्सटिंक्ट भी होती जाती है। अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है वो नेचुरल सेलेक्शन होता है इवोल्यूशन के दौरान। लेमार्क जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एज एक्वायर्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन पास ऑन टू इट्स ऑफस्प्रिंग। इट्स स्टेट दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अकर्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यानी कि लेमार्क ने क्या बोला कि कोई भी ऐसा चेंज किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर आया जो उसने अपने, हम बोलते हैं कि ऑर्गन को यूज में बहुत ज्यादा लेते हुए या फिर उसको बिल्कुल भी यूज नहीं लिया, तो उसकी वजह से उनके जेनेटिकल, हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंज आ गया, और जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज आया तो उनकी नेक्स्ट जो प्रोजेनी थी उसमें भी वो सेम कैरेक्टर जो है वो डेवलप हुआ। ये जो बेसिस है ये किस पे बेसिस है, कि ऑर्गन को उन्होंने ज्यादा यूज किया है या फिर कम यूज किया है, उस बेसिस पे है लेमार्क की थ्योरी। जैसे कि कोई भी ऑर्गन है जिसका ज्यादा यूज होने के लिए, तो अगर आप देखोगे तो जिराफ होता है, तो जिराफ की गर्दन जो है पहले बहुत छोटी होती थी, उसने अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा यूज किया, क्योंकि पहले प्लांट छोटे छोटे थे, हर्बेशियस थे, देन क्या हुआ, शर्ब्स एंड ट्रीज जो है डेवलप हुए, उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी, जिराफ को खाने के लिए प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को उठा के खाना शुरू किया। धीरे 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 जब उन्होंने क्या किया, ट्रीज को खाना शुरू किया, तो उनकी गर्दन बहुत लंबी हुई। अब जो ये चेंज आया, ये चेंज उनके जीन्स के अंदर भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। फिक्स हुआ तो वो नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर भी क्या हुआ, डेवलप हुआ, यानी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर भी वो गया, एंड देन वहां डेवलप हुआ। जब वो डेवलप हुआ तो अब जो जिराफ है उनकी गर्दन कैसी होगी, लंबी। रीजन क्या था, क्योंकि उन्होंने उस ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल किया, इस वजह से उनमें वो चेंज आया, ये लेमार्क बोलता है हमें, ठीक है। उसके साथ में एक और एग्जांपल है कि डिसयूज के अंदर अगर हम देखें तो जो सांप होते हैं, सांप के अंदर लिम्स जो है वो प्रेजेंट थे, वो अब डिसअपियर हो गए। रीजन ये क्योंकि वो रैंक रहे हैं, है ना, तो उनको जरूरत नहीं थी लिम्स को यूज करने की, तो धीरे धीरे लिम्स जो है उनको यूज करना बंद कर दिया, तो इसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। पर्टिकुलर पार्ट जब वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो अब स्नेक जो है वो कैसे होते हैं, वो लिम्बलेस होते हैं, लिम्स उनमें प्रेजेंट नहीं होते, तो वो वही उनके जीन के अंदर वो फिक्स हो गया, एंड देन जीन में फिक्स हुआ तो वो नेक्स्ट प्रोजेनी जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी सेम करेक्टर मूव किया, इसकी वजह से स्पीशीज के अंदर एक नया करेक्टर जो है वो डेवलप हो गया। नाउ जब हम लिस्ट बनाते हैं करेक्टर्स की, तो हम क्या लिखते हैं भाई, सांपों के अंदर लिम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं ना, ये वो रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स के बारे में जब बात करते हैं तो दो तरह के रेप्टाइल हम पढ़ते हैं, कि एक रेप्टाइल्स जिनके पास में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स हैं जिनके पास में लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये लिम्बलेस रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डी वेरीज ने प्रपोज किया म्यूटेशन थ्योरी फॉर द इवोल्यूशन। म्यूटेशन, यहाँ पे नया शब्द आता है कि म्यूटेशन आखिर क्या होता है, तो देखिए म्यूटेशन यही है कि सडन जेनेटिकल, अगर हमारे जो जीन्स हैं उनमें सडन कोई चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट जो होता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब नए कैरेक्टर डेवलप होंगे तो स्पीशीज में भी नए कैरेक्टर आएंगे, धीरे धीरे इस तरह के अगर म्यूटेशन हम बोलते हैं कि डेवलप होते हैं, तो इसकी वजह से न्यू स्पीशीज जो है उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो म्यूटेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इवोल्यूशन के लिए, नए स्पीशीज के डेवलपमेंट के, नए स्पीशीज के ऑरिजिन को लेकर, ठीक है। तो म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डी वेरीज ने जो है उन्होंने हमें बताया, किस पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने ज्यादा किया था, क्वेश्चन अगर पूछा जाए देन आंसर क्या होगा आपका, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोज जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और जिन्होंने बताया था कि सडनली अचानक से किसी पॉपुलेशन के अंदर अचानक से अगर कोई चेंज आ जाता है, कि अचानक से करेक्टर जो है चेंज हो गया, डिफरेंस आया, तो वो म्यूटेशन की वजह से ही हो सकता है। क्योंकि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर, अगर मेरी एनवायरमेंटल हैबिटेट या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से कोई चेंज आया, तो वो पूरी पॉपुलेशन में चेंज तो नहीं लेके आएगा,
पूरी पॉपुलेशन के अंदर सडन चेंज कॉल ना आ सकता है। वो चेंज जो है वो एक्चुअल में अच्छा कोई जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर सडनली अचानक ही क्या हो सकता है, करेक्टर नया डेवलप हो सकता है। और नए करेक्टर का डेवलपमेंट होना यानी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, नया चेंज आया, देन नई स्पीशीज जो है शायद मे बी वो भी डेवलप हो जाए। तो किसी पॉपुलेशन के अंदर जो सडन चेंज आता है उसका मेन रीजन जो है म्यूटेशन होता है। ये चीज हमें ह्यूगो डी बेरीज ने बताई, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमें उन्होंने दिया। अभी देखिए डिफरेंस देखें अगर हम डार्विनियन वेरिएशन एंड डी वेरीज के उसके म्यूटेशन के अंदर तो क्या होता है। डार्विन क्या बोलता है कि ये जो वेरिएशन आते हैं बहुत छोटे होते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से आते हैं। किसी एक लाइफ फॉर्म को उन्होंने के हो सकता है मे बी जो है उनमें चेंज लेके आया होगा, लेकिन यहाँ पे डी वेरीज क्या बोलता है, म्यूटेशन की वजह से लार्ज चेंजेस आते हैं क्योंकि म्यूटेशन जेनेटिकल उसमें जीन्स के अंदर हो रहा है, देन वो प्रोजेनी टू प्रोजेनी जो है पास होगा तो पॉपुलेशन के अंदर वो चेंज आएगा। ये बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे एनवायरमेंटल कंडीशन में एडेप्टेशन होता है। मे बी हो सकता है मे बी जैसे कि किसी एक लाइफ में आया तो नेक्स्ट जनरेशन में मे बी ना भी आए, देन फिर वो सेम एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बोलते हैं कि वो वेरिएशन जो है वो डेवलप होते हैं, बट ये हमेशा एक डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में। जबकि म्यूटेशन की वजह से रैंडम कोई भी चेंज आ सकता है किसी में, कोई एनवायरमेंटल कंडीशन या कुछ ऐसा लागू नहीं हो रहा। जीन के अंदर हम बोल सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे या जो भी है, जो अब हमें मालूम भी है कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे चेंज आ जाता है, तो म्यूटेशन जब भी सडन अचानक से कभी भी हुआ तो उसकी वजह से डायरेक्शन लेस, क्योंकि वो किसी भी करेक्टर को लेके हो सकता है म्यूटेशन। जरूरी नहीं है कि एनवायरमेंटल हैबिटेट से रिलेटेड, जैसे कि डार्विन या लेमार्क जिस पर बात कर रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि हाँ नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, पर वो तो अचानक से जीन्स के अंदर चेंज हुआ तो अचानक से जो है डेवलप हो सकता है। ये धीरे होता है इवोल्यूशन डी वेरीज के अकॉर्डिंग, ये हमें बोलते हैं कि बहुत ही जल्दी लार्ज जो है ना म्यूटेशन जो है वो होता है, ठीक है ना। फिर आता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ये बोलता है कि पॉपुलेशन के अंदर किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि हम जब किसी कुछ करेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम पूरे पॉपुलेशन के अंदर मिलके हम अगर हम बात करते हैं, पूरी पॉपुलेशन के अंदर करेक्टर जो है वो किस तरीके से हम बोलते हैं किसी भी जीन के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करने की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है और किस तरीके से एलील जो है वो मूव करते हैं, तो उसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम इसको बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि किसी पॉपुलेशन के अंदर दो एलील को लेकर वो दोनों के दोनों एलील जो है एक ही लोकस जो है उसके ऊपर क्या है प्रेजेंट है, अगर उसको लेकर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास में एक हम बोलते हैं कि इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी की पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हार्डी वेनबर्ग ने जो दिया, वो आता है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन। कॉन्स्टेंट है ये तो हम हमेशा बोलते हैं। ए जो एलील है उसके पॉपुलेशन में आने की फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, पी से। स्मॉल ए यानी कि जो रिसेसिव जीन है उसकी उसकी हम बोल रहे हैं रिसेसिव एलील के जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब किसी पॉपुलेशन के अंदर डोमिनेंट करेक्टर है उसको बताना है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन विद द अगर हिट्रोजाइगस, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब हम लोगों ने जैसे ये हार्डी वेनबर्ग को अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखें तब भी आप समझ सकते हैं कि हिट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, एक डोमिनेंट एलील हो और एक क्या हो रिसेसिव एलील हो। जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम टू पी क्यू से निकाल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन विद स्मॉल ए यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको क्यू स्क्वायर से, ठीक है। बट वैसे अगर हम देखें टोटल एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट होती है, उसको हम वन ही लिखते हैं। इसीलिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर एलील की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। अब हार्डी वेनबर्ग की जो ये इक्वेशन है इसके इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं इफेक्ट करने वाले कई फैक्टर है जैसे कि जीन फ्लो है, जीन माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन। कैसे, जैसे कि फॉर द एग्जांपल के लिए कि कोई भी एक पॉपुलेशन है, अगर हमने एक एरिया में प्रेजेंट एक पॉपुलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ के अगर हम बोल रहे हैं कि वो एक करेक्टर जो है क्योंकि वहाँ के जितने भी उस पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर है वो आपस में ही रिप्रोडक्शन करते हैं,
ठीक है, आपस में ही उनके क्या हो रहे हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो करेक्टर जो है उस एरिया के अंदर, उस पॉपुलेशन के अंदर हमें नजर आएगा। ठीक है, अब कंडीशन तीन है हमारे पास में कि वो डोमिनेंट जो है वो भी डोमिनेंट करेक्टर वाले स्पीशीज भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है, बट डोमिनेंट के अंदर होमोजाइगस भी हो सकती है और हिट्रोजाइगस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम एक पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी एक एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर कंडीशन ये आ जाए कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं तो वो जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि वहां से माइग्रेट हो जाए, मूव कर जाए, तो पॉपुलेशन के अंदर एलील की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो वहां से मूव कर गए, माइग्रेट कर गए। और या फिर हम ये बोल रहे हैं कि अचानक से अगर कोई म्यूटेशन डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि ये जीनोटाइप जो है उसके अंदर हमें चेंज देखने को मिलेगा, तो पॉपुलेशन के अंदर वही एलील जो फ्रीक्वेंसी उसमें हमें शो करेगा। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसकी वजह से भी हम भी बोले नए करेक्टर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी हम बोले पॉपुलेशन के अंदर यही एलील की फ्रीक्वेंसी जो है इसके ऊपर हम बोलते हैं इफेक्ट पड़ेगा। और नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल ये एक हम बोलते हैं कि ये भी हार्डी मेनबर प्रिंसिपल जो है उसको इफेक्ट करता है। अब ये तीन तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव। कैसे, फॉर द एग्जाम्पल के लिए स्टेबलाइज सिलेक्शन किसको हम बोल रहे हैं कि अगर ज्यादातर एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट ज्यादातर इंडिविजुअल जो है उनमें वो करेक्टर डेवलप हो रहा जो मीडियम रेंज का हो, जैसे कि अब हाइट है, हाइट छोटी भी हो सकती है, कई रेंज है ना हाइट की, ऐसा तो नहीं है कि क्लियर कट दो ही हमारे पास में रेंज है कि या तो छोटा ही होगा 4 फीट हाइट का या फिर क्या होगा 7 फीट हाइट का लंबाई होगा, बीच का है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम क्या बोल रहे हैं उन दोनों का मीडियम निकालते हैं तो उसके रेंज के भी क्या हो सकते हैं, हाइट के कई हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक पूरा रेंज ले लेते हैं कि हमने 5 to 6 रेंज वाले, या फिर 5 फीट से छोटे वाले, 7-6 फीट से बड़े वाले, है ना, ऐसे करके हमने 3 रेंज बना ली। तो हमने कई हमारे पास में बहुत सारी पूरा स्केल हमारे पास में बहुत लंबा होता है, तो हाइट जो है सबकी अलग अलग होती है। अब पॉपुलेशन में जब हम हाइट के बारे में बात करेंगे तो हम इसमें कैसे बोलेंगे कि जीन की फ्रीक्वेंसी के बारे में, एलीलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि कौन सा जो है वो डोमिनेंट वाले हैं और कौन से रिसेसिव वाले, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन के अंदर जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीडियम रेंज वाले जो होते हैं वो करेक्टर उसके अंदर डेवलप होते हैं। तो देखो ग्राफ जो बनता है वो कैसा होता है, मीडियम साइज वाले इंडिविजुअल जो है ज्यादा जो है वहां पे डेवलप होंगे, जैसे प्लांट के हाइट के लिए, ह्यूमन के लिए, बर्थ वेट के लिए, है ना, तो ये स्टेबलाइज सिलेक्शन उसके अंदर हो सकता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब ये हो गया कि वो अपने मीन करेक्टर वाले वैल्यू को तो छोड़ दे और कुछ अडेप्टेशन की वजह से जो है वो नए करेक्टर्स जो है उसको अडेप्ट कर ले, तो उसकी वजह से ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मॉस्किटोज होते हैं उनमें डीडीटी के लिए रेसिस्टेंसी डेवलप होगी, ठीक है, तो अभी रेसिस्टेंसी जो है अगर वो नेचुरल कंडीशन के अंदर, अगर हम जाएंगे नेचुरल सिलेक्शन उसके अंदर जाएंगे कि जो नॉर्मली मॉस्किटोज होते हैं उनके अंदर डीडीटी को लेकर रेसिस्टेंसी नहीं होती, अगर उस कंडीशन के अंदर जाएंगे तब तो क्या हो जाएगा, तब तो उनकी डेथ होने लगेगी ना, तो इस वजह से वो क्या करते हैं नेचुरल उनका सिलेक्शन होने लगता है, उनमें रेसिस्टेंसी जिनमें डेवलप होती है, तो ज्यादातर मॉस्किटोज में अब डीडीटी रेसिस्टेंट वाले जो मॉस्किटोज होते हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका ग्राफ है वो किधर शिफ्ट हो जाता है, वो हम ये बोलते हैं कि वो एक दूसरी हम बोलते हैं कि आगे की तरफ अलग डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, उसको हम डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलते हैं, कि एक डायरेक्शन नेचुरली जो एनवायरमेंटल कंडीशन में जो चेंज आया उसकी वजह से उन्होंने एडेप्टेशन लिया और उसकी वजह से उन्होंने अब क्या हुआ, ज्यादातर जो मॉस्किटोज अब जो डेवलप हो रहे हैं वो डीडीटी के लिए रेसिस्टेंट डेवलप हो रहे हैं, तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। और डिस्ट्रप्टिव के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जो अपने जो हम बोलते हैं कि मीन वैल्यू वाला जो करेक्टर है उसको तो छोड़ दे, बट उसके आसपास वाले जो करेक्टर वाले हैं वो डेवलप कर लें। अगर सिकल सेल एनीमिया, चूंकि आप जानते हो ये जेनेटिकली जो है म्यूटेशन की वजह से डेवलप होने वाला एक सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, तो ये म्यूटेशन की वजह से डेवलप वाला इसका सिलेक्शन अगर हो जाएगा नेचुरली तो सारे के सारे सिकल सेल एनीमिक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, सिकल सेल एनीमिक को छोड़ के बाकी जो करेक्टर वाले जो हम बोलते हैं जीन वाले जो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म होंगे उनका नेचुरली क्या होगा, सिलेक्शन होगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर क्या होंगे, दो उसमें पीक्स होंगी, ये क्योंकि उन्होंने जो बोलते हैं ना बाकी के जो करेक्टर्स है वो करेक्टर वाले जो है जो नेचुरल सिलेक्शन होगा उन ऑर्गेनिज्म का ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे नेचुरली सिलेक्शन किसका हो रहा है, स्टेबलाइजिंग के अंदर जो भी जिनके अंदर भी मीन करेक्टर जो बोलते हैं ना मीडियम रेंज के जो करेक्टर डेवलप हो रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शनल वाले के अंदर एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि जैसा हैबिटेट में चेंज आया उसकी वजह से जो करेक्टर डेवलप हुआ उसकी वजह से एक डायरेक्शन के अंदर जो हम बोल रहे हैं ना चेंज जो है उस चेंज आया है उसका नेचुरली सिलेक्शन जब हो रहा है तो उसको हम डायरेक्शनल सिलेक्शन बोल रहे हैं। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ सकता है जो हार्डी मेनबर प्रिंसिपल को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है,
तो ये है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के अंदर ये कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस है, बाकी सब कुछ लर्निंग के लिए है, वो आप लर्न कर सकते हैं। ये सारी कुछ चीजें थी जो थ्योरेटिकली आपको दी थी, जिसको रीड करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उस चीजों को हमने बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं, आप उनको मतलब अब समझ पाए हैं कि इवोल्यूशन में आखिरकार है क्या, तो आप फॉलो अप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन एक्चुअल में ज्यादातर इन्हीं से पूछे जाते हैं, इसके बाद में जो टॉपिक्स हैं जैसे कि वो इवोल्यूशन दिया गया है, प्लांट्स के अंदर इवोल्यूशन कौन कौन किससे डेवलप हुआ, या फिर एनिमल्स के अंदर इवोल्यूशन, तो वहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, ज्यादातर अगर आप क्वेश्चन देखोगे पिछले साल के उठा के, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इतना टॉपिक को भी बहुत अच्छे से अगर कर लिया है, तो आप याद मान के चलिए कि आप इस इवोल्यूशन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है जो आप लोगों को करने हैं अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ में हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है, और आप लोगों को नीट 2020 के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मैं जानती हूँ कि आप लोग सारे बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छा करेंगे नीट 2020 में, और सभी को ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं आपके अच्छे रिजल्ट्स के साथ में। बाय बाय।